Actress Richa Chaddha has joined the group PETA to stop people from eating fishes and treat them as friends and not food. Watch Richa talk about her association with PETA, being a Punjabi vegetarian and other things. Please tell us, why are you dressed up like a mermaid? I'm dressed up like a mermaid for the PETA campaign about fish are friends, not food, because I'm a vegetarian and I endorse it, and I believe that if you all pay a little more attention and become vegetarians, it'll be better for the environment, better for all of us as human beings, and better for our health. On Valentine's Day, you have you've engaged yourself into something social. Well, it's a kind of selfless love, and I think that's what love should be about. Animals don't pay us to do this for them. Animals don't pay PETA to have an organization to help them and to support them. And I think selfless and unconditional love is the best kind of love, and this is my way of spreading love, I guess. आज यहाँ पे हम शूट कर रहे हैं. मैं मरमेड की कॉस्ट्यूम में हूँ क्योंकि हम एक कैंपेन कर रहे हैं PETA के लिए. PETA एक वर्ल्ड वाइड ऑर्गेनाइजेशन है जिसका फुल फॉर्म है पीपल फॉर एथिकल ट्रीटमेंट ऑफ एनिमल्स, जो वेजिटेरियनिज्म को इंडोर्स करती है और कहती है कि अगर दुनिया में लोग शाकाहारी बनने की सोचें तो दुनिया के लिए, पर्यावरण के लिए, सेहत के लिए, सबके लिए ज़्यादा फायदेमंद रहेगा. कितना मज़ा आ रहा है बनकर और कितना एंजॉय कर रहे हो? कितना मुश्किल था ये कॉस्ट्यूम पहनना? ये कॉस्ट्यूम पहनना मज़ेदार है क्योंकि इस धूम के साथ मैं चल नहीं सकती, इसलिए मैं बैठी हुई थी. और ये कॉस्ट्यूम बहुत मेहनत से बनाई गई है. ये कॉस्ट्यूम बहुत मेहनत से बनाई गई है और बहुत खूबसूरत है. मुझे बहुत मज़ा आया है क्योंकि ये हम नॉर्मल लाइफ में या किसी फिल्म के सेट पर नहीं कर सकते. और सवाल, वैलेंटाइन डे किस तरीके से सेलिब्रेट करने वाली हैं या बुक कर लिया है? देखिए, आधा मेरा वैलेंटाइन डे आप सबके साथ बीत चुका है. हैप्पी वैलेंटाइन्स डे आप सबको. और मैं वैलेंटाइन्स डे इसी तरह से सेलिब्रेट करना चाहती हूँ. क्या कुछ याद आता है जब आज का दिन आता है? कभी किसी लड़की ने जबरदस्ती कोई आज के ही दिन आप जिस शहर से आई वहाँ पर कभी छेड़ा या आपको प्रपोज किया? हर शहर में छेड़छाड़ होती है, पर हम क्वेश्चंस को PETA के बारे में रखें तो ज़्यादा अच्छा होगा. आई थिंक ग्लोबली बहुत सारे लोग PETA के साथ जुड़ते हैं, और ऐसा ही कैंपेन केटी पेरी ने वेस्ट में किया था और मुझे वो भी काफ़ी खूबसूरत लगा. और मुझे लगता है कि जब कोई सेलिब्रिटी इस मुद्दे से जुड़ता है तो लोग ज़्यादा देखते हैं, क्योंकि कई बार मैं पंजाबी हूँ तो लोग एक्सपेक्ट नहीं करते कि मैं शाकाहारी होंगी या मैं इस तरह की मुहिम के साथ जुड़ूंगी. इसलिए जब कोई सेलिब्रिटी इस तरह के कॉज के साथ जुड़ता है तो उससे ज़्यादा आईबॉल्स मिलती हैं और जिस कैंपेन को हम सपोर्ट कर रहे हैं उसको फ़ायदा मिलता है. अच्छा, जलपरी किसके साथ डेट करना चाहती है बॉलीवुड में? अरे यार, आप तो डेट के पीछे, आप आ जाओ. नहीं, मैं डेट नहीं करना चाहती किसी को आज बॉलीवुड में, तो बिल्कुल नहीं करना चाहती. दो एक्टर्स को डेट नहीं करना चाहिए मुझे लगता है. बॉलीवुड कंट्री रिपोर्ट.